राजधानी में माणक चौक थाना पुलिस ने भूमाफिया महेंद्र राजौरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाने में दी राजलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ इकबाल खान ने बैंक की पूर्व निदेशक फिरोजा बानो से मिलकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर फर्जी दस्तावेजों से हेरा फेरी कर करोड़ों का लोन लेकर नहीं चुकाने का आरोप है। इस मिलीभगत में पूर्व निदेशक को उन्होंने पार्टी बनाया है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है कि आरोपी पर लगे आरोप सही है या फिर राजनीति से प्रेरित हैं।